अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैरागिस किचन। आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी डेजर्ट, जिसके लिए हमने एक बाउल में ले लिए हमारी स्ट्रॉबेरीज, एक कप शक्कर, दूध, कॉर्नफ्लोर का आटा और थोड़ा सा नींबू का रस। अब हम हमारी स्ट्रॉबेरीज को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी स्ट्रॉबेरी की प्यूरी अच्छे से रेडी हो चुकी है। हमने यहाँ पर ले लिया है हमारा पैन, और पैन के अंदर हम डालेंगे हमारा स्ट्रॉबेरी का जो हमने अच्छी से प्यूरी बनाई थी वो अच्छे से डाल देंगे। प्यूरी हमने हमारी निकाल दी है पैन में। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध, 2 कप अच्छी तरीके से मिला लेंगे। थोड़ा मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी शक्कर। शक्कर डालने के बाद में हम और इसे अच्छे से मिलाएंगे, और हम इसमें डालेंगे हमारा कॉर्नफ्लोर जो हमने रखे थे, कॉर्नफ्लोर डाल के मिला देंगे। हमारी स्ट्रॉबेरी की प्यूरी कुछ ऐसी दिख रही है। अब हम कर देंगे हमारा गैस ऑन, और इस पर रख देंगे हमारा पैन, और हम इसे अच्छी तरीके से मिलाते रहेंगे। उसमें कोई लम्स नहीं आने देंगे जब तक इसमें एक बॉइल नहीं आ जाता है। आप देख सकते हो हमारी प्यूरी में अच्छा बॉइल आ गया। अब हम हमारी गैस को कर देंगे बंद। प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे सर्विंग बाउल में। और इसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक सेट होने देंगे। हमने हमारी प्यूरी को सेट होने रखा है। जब तक हमारी प्यूरी सेट हो जाती है, जब तक हम बना लेंगे उसकी टॉपिंग। टॉपिंग के लिए हमने ले ली है कुछ स्ट्रॉबेरीज। अब हम ये स्ट्रॉबेरीज को रफली चॉप करेंगे। स्ट्रॉबेरीज को हमने काट चुके हैं। कर लेंगे हमारा गैस ऑन। गैस पर रख देंगे हमारा पैन। पैन में हम डाल देंगे हमारी रफली चॉप करी हुई स्ट्रॉबेरी। थोड़ी देर इसे गैस पर रखेंगे। अब हम हमारी स्ट्रॉबेरी में डाल देंगे शक्कर। शक्कर आप आपके टेस्ट के हिसाब से रखें। हमारे वहाँ पर बहुत मीठा खाते हैं तो हम उस हिसाब से शक्कर यूज़ करते हैं। थोड़ी देर हम हमारी स्ट्रॉबेरी और शक्कर को गैस पर रख देंगे। अब हम हमारी टॉपिंग में डालेंगे लाइम जूस या नींबू का रस, और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। माशाल्लाह हमारी टॉपिंग रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा डेजर्ट कितने अच्छे से सेट हो चुका है, और माशाल्लाह अभी ही इतना खूबसूरत दिख रहा है। अब हम इस पे डाल देंगे हमारी टॉपिंग। माशाल्लाह हमारी स्ट्रॉबेरी ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत दिख रही है। ऐसी हमारी सिंपल और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।